हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो एज इफ और एज दो कंजंक्शन पर है। एज इफ और एज दो का हम कैसे यूज करेंगे और इसके साथ कौन सा लिंकिंग वर्ब यूज होगा, क्योंकि इसमें काल्पनिक सेंटेंस होता है। तो गाइस, देखते हैं एज इफ और एज दो के बारे में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों तक शेयर कर दीजिए और आगे देखते हैं हम एज इफ और एज दो। वह ऐसे बात करती है मानो कि वह डॉक्टर हो। एज इफ और एज दो का मीनिंग क्या है? जैसे कि, मानो कि। तो वह ऐसे बात करती मानो कि वह डॉक्टर हो। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को लिखेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर है। वह के लिए हम यूज करेंगे सी और बात करने के लिए क्रिया आती है टॉक और टॉक में एस लगा देंगे। सी टॉक्स, वह ऐसे बात करती मानो कि। एज इफ, वह एक डॉक्टर हो, वह डॉक्टर हो तो उसके लिए हम सबसे पहले सी का यूज करेंगे वह अर्थ के लिए। फिर हो अर्थ के लिए यहां यूज होगा वर्ब सी वर। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, हमें वर का ही यूज करना हो अर्थ के लिए। सी वर अ डॉक्टर, सी टॉक्स एज ए सी वर डॉक्टर, वैसे बात करती जैसे कि डॉक्टर हो। दूसरे सेंटेंस देखते हैं, उसने ऐसे बात की जैसे कि वह पागल हो। दूसरे सेंटेंस आप देखेंगे तो यह सेंटेंस आपका पास इनडेफिनेट टेंस पर है। उसने ऐसे बात की, उसने अर्थ के लिए हम ही का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें देखना मेल है फीमेल है, हमने माना कि ये मेल है। वह ऐसे बात, उसने ऐसे बात की, ही टॉक, टॉक का सेकेंड फॉर्म टॉक, ही टॉक्ड। जैसे कि, जैसे के अर्थ के लिए हम एज दो का यूज कर लेते हैं। एज दो, वह पागल हो, वह के लिए हमने यूज किया ही। हो अर्थ के लिए वर, ही वर पागल के यूज करेंगे मैड। तो ही टॉक्ड एज इफ ही वर मैड, उसने ऐसे बात की जैसे कि वह पागल हो। तो गाइस, इस तरह से हम एज इफ एज दो का यूज करते हैं और एज इफ एज दो के साथ हम यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब वर्ब का, और वर्ब का यूज ही इसके साथ होता है, वॉज का यूज नहीं होता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो। गाइस, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।